हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेसिव स्पेशीज़ या एलियन स्पेशीज़ के बारे में। तो बेसिकली इन्वेसिव स्पेशीज़ या एलियन स्पेशीज़ वो स्पेशीज़ हैं जो कि नॉन नेटिव होती हैं, यानी कि वो उस एरिया में नहीं रहते हैं, वो कहीं बाहर से माइग्रेट होके उस एरिया में आ जाती हैं। इनको इन्वेसिव स्पेशीज़ या एलियन स्पेशीज़ इसलिए कहा जाता है, ये स्पेशीज़ जो होती हैं ये बहुत ही डोमिनेटिंग होती हैं, जिस एरिया में जाती हैं वहाँ पे ये नेटिव पॉपुलेशन को, नेटिव स्पेशीज़ को रिप्लेस करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले मैं बात करूँगा पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस की। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। जब ये प्लांट यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, तब अचानक से इसने हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको लगभग 40% तक कम कर दिया था। ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसका रिप्रोडक्शन पावर बहुत ज़्यादा है और टॉलरेंस पावर भी बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली आया था मेक्सिको से। मेक्सिको से हमने वीट मंगाया था, उस वीट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस वीट के साथ में ये पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस एक एलियन स्पेशीज़ आई थी। उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसीलिए इसको कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है। और यहीं पे अगर हम बात करें वाटर हायसिंथ की, ये भी एक इन्वेसिव और एलियन स्पेशीज़ है। ये बेसिकली आया था ब्राज़ील से। कहा जाता है इसको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट लाया गया था। इसके जो फ्लावर हैं आप देख सकते हैं, जो मिडिल वाली जो आपकी फ़ोटो है, ये है वाटर हायसिंथ की। इसको किसी ने देखा कि बहुत ही सुंदर फ्लावर है और इसको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट इंडिया में कोई ले आया। ये हमारी वाटर बॉडी के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। एक बार अगर ये वाटर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर जाता है तो पूरे के पूरे वाटर बॉडी को ये कवर कर लेता है, उसे ड्राई अप कर देता है। लोकल लैंग्वेज में इसको जलकुंभी भी बोलते हैं। आप सभी ने इसको देखा होगा कहीं ना कहीं पे कि एक पूरा का पूरा जो आपका पौंड लेक है वो एक प्लांट से ग्रीन ग्रीन पूरा भरा पड़ा है, वो वाटर हायसिंथ होता है। तीसरा गुड एग्जाम्पल है इन्वेसिव स्पीशीज़ का इंडिया में लंटाना कमारा। इसको फूल कली भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये हिमाचल साइड या आपके हिली एरिया में बहुत ज़्यादा मिलता है और ये प्लांट भी आपका बहुत ही डोमिनेटिंग होता है और ये फायर कैच जल्दी कर लेता है। इसीलिए जो आपके हिली एरिया हैं जहाँ पे ये लंटाना कमारा ज़्यादा होता है, वहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन्वेसिव स्पीशीज़ या एलियन स्पीशीज़ क्या होती हैं? जो नॉन नेटिव होती हैं, बाहर से किसी जगह पे से ये माइग्रेट होके आती हैं, उस एरिया में ये डोमिनेटिंग हो जाती हैं, नेटिव स्पीशीज़ को रिप्लेस कर देती हैं। ये लोकल आपके इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। इसके तीन एग्जांपल मैंने बताए, तीनों को अच्छे से याद कर लेना। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इन्वेसिव स्पीशीज़ या एलियन स्पीशीज़ क्या होते हैं और ये क्यों हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार पढ़ रहे होंगे, चीज़ें सीख रहे होंगे। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।